हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स करके क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारा जो फॉर्म है स्कॉलरशिप का वो DWO यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर द्वारा वेरीफाई तो हो चुका है, मगर हमारी जो स्कॉलरशिप है वो PFMS पर शो नहीं हो रही, क्योंकि जैसा कि आपको पता है काफी ज्यादा छात्रों की जो स्कॉलरशिप है वो PFMS पर अंडर प्रोसेसिंग बैंक शो हो रही है। तो आज किस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे आपकी जो स्कॉलरशिप है वो PFMS पर कब तक शो हो जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले मैं आपको बताता हूं कि आप लोग अपना PFMS का स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो अंडर प्रोसेसिंग बैंक शो हो रही है या नहीं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो आपकी स्कॉलरशिप है वो कब से शो होगी अंडर प्रोसेसिंग बैंक। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कंप्लीट डिटेल में। सो गाइस, पहले मैं आपको बताता हूं कि आप लोग अपना PFMS का स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर आपका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो अंडर प्रोसेसिंग बैंक शो नहीं हो रहा तो वो कब तक शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहां पे सर्च करना है सरकारी जॉब फाइंड। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। जैसे ही आप इस पेज पर पहुंचेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको सिंपली sarkarijobfind.com पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पे आपको सिंपली यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस विद बैंक अकाउंट PFMS पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर पहुंच जाएंगे, यहां पे आपको सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे ही आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पे आप लोग अपना प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड अदर देन का स्टेटस भी देख सकते हैं। प्लस आप लोग यहां से फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके यानी कि चेक स्कॉलरशिप स्टेटस विद बैंक अकाउंट नंबर PFMS का जो क्लिक हियर लिखा है आप लोग सिंपली उस पर क्लिक करके अपना PFMS का स्टेटस देख सकते हैं और जान सकते हैं कि जो आपकी स्कॉलरशिप है वो अंडर प्रोसेसिंग बैंक शो हो रही है या नहीं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ और आपको बताते हैं कि अगर आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट अभी तक PFMS पर शो नहीं हो रहा तो वो कब तक शो हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं कैमरे की तरफ। सो गाइज, आप लोगों ने चेक कर लिया कि आपको अपना PFMS का स्टेटस किस तरह से चेक करना है। बात आती है कि अगर आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट अंडर प्रोसेसिंग बैंक शो नहीं हो रहा तो आपका कब तक शो हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी और एससी कैटेगरी की जो स्कॉलरशिप है वो 19 मार्च से PFMS पर अंडर प्रोसेसिंग बैंक शो हो रही है, यानी कि 7 से 8 दिन के बाद उनके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। मगर अभी भी 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप PFMS पर शो नहीं हो रही। तो देखिए, आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपकी स्कॉलरशिप थी वो आपकी 25 मार्च से आने वाली थी, मगर कुछ छात्रों की स्कॉलरशिप पहले आ चुकी है। तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कभी आप समझे कि आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलने का। 25 मार्च से प्रॉपरली सभी छात्रों की जो स्कॉलरशिप है वो PFMS पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसा कि आपको पता है हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको ऑलरेडी बताया था कि स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो एक साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 25 मार्च से लेकर अप्रैल फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक 100% शो हो जाएगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और जिन छात्रों का अमाउंट अंडर प्रोसेसिंग बैंक शो हो रहा है, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, ओबीसी कैटेगरी के या फिर एससी कैटेगरी के, वो आपका 8 से 10 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।